हे एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप का टॉपिक, वेयर वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये दो सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है फॉर्म्स ऑफ आपकी बिजनेसेस क्या क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं। तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, कंपनीज और साथ ही साथ पार्टनरशिप, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। अब ये पार्टनरशिप का टॉपिक एक तो आपके लिए वहाँ इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो वहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए बच्चे, पार्टनरशिप होता क्या है? आपने कई बार बचपन में ना किसी से ये ज़रूर डिस्कस किया होगा कि बड़े होकर ना हम पार्टनर बनेंगे और काम करेंगे एक साथ मिलकर, बिजनेस जो है धंधा शुरू करेंगे कोई। तो वो क्या है पार्टनरशिप, जहाँ पे आप जो है एक से ज़्यादा व्यक्ति, जिसको आप कह सकते हो मिनिमम दो व्यक्ति जो है यहाँ पे आपके लगते हैं जब आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, जहाँ पे आप कम से कम दो लोग साथ में मिलकर के आते हो, कोई एक बिज़नेस कैरी ऑन करने के बारे में जो है सोचते हो, विचारते हो और वो बिज़नेस कैरी ऑन करते हो, और यहाँ पे आप जो है उससे प्रॉफिट कमाना आपका इच्छा होता है या प्रॉफिट अर्न करनी आपकी इच्छा होती है। सो टू और मोर इंडिविजुअल, दो या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स लाने की एक अकेला व्यक्ति, जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, आप इंडिविजुअल हो, हम दो इंडिविजुअल्स मिल करके पार्टनरशिप के काम कर रहे हैं अपना, तो उसको हम पार्टनरशिप कहेंगे। तो वो दो लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं? बाय मेकिंग अ रिटन और ओरल अग्रीमेंट। किसके द्वारा? या तो रिटन अग्रीमेंट बनाओगे या फिर ओरल अग्रीमेंट बनाओगे। या तो रिटन करोगे सारा डॉक्यूमेंट एक में कि क्या है, किस चीज़ की पार्टनरशिप है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना कितना हम पैसा लाएंगे, क्या क्या जो है हमारी ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या राइट्स होंगे, तो वो चीज़ें आप रिटन में कर रहे हो, या फिर ओरल अग्रीमेंट कर रहे हो, या फिर बोल करके वो अग्रीमेंट कर रहे हो। हालांकि रिटन अग्रीमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, अगर रिटन डॉक्यूमेंट होता है तो वो ज़्यादा जो है उसको कहा जा सकता है कि हाँ ये वैलिड है। या फिर आप ओरल अग्रीमेंट कर रहे हो और उसमें क्या करते हो, आप जॉइंटली अस्यूम करते हो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि कैसे जो है बिजनेस को कंडक्ट किया जाएगा। सो उसको आप कहते हो पार्टनरशिप। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स होता है सबसे पहला नंबर ऑफ मेंबर्स, कम से कम दो मेंबर्स की आवश्यकता होती है तभी पार्टनरशिप शुरू किया जाएगा, ठीक है। बिना जो है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, आप अपने साथ ही पार्टनरशिप नहीं कर सकते, एटलीस्ट आपको दो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी पार्टनरशिप करने के लिए। सो इसीलिए कम से कम दो व्यक्ति की आवश्यकता है। और वहीं पे मैक्सिमम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 20 होंगे। अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है तो 20 पार्टनर्स, और वहीं बैंकिंग बिजनेस है तो वहाँ पे मैक्सिमम 10 पार्टनर, इससे ज़्यादा पार्टनर आप नहीं रख सकते अपने पार्टनरशिप में। अगर इससे ज़्यादा पार्टनरशिप हुए तो वो पार्टनरशिप इनलीगल मानी जाएगी। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट। एक अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द पार्टीज, चाहे वो ओरली हो या फिर रिटन तरीके से हो। क्यों? क्योंकि वो अग्रीमेंट डिसाइड करता है कि आखिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है और कौन सा व्यक्ति, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा। साथ ही साथ जो आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप अपने सारे रिटन चीज़ें लिखते हो कि पार्टनरशिप में क्या, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वगैरह होने वाला है, उसको जो है उस अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है, जिसमें सारी चीज़ें आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड सब रूल्स रेगुलेशंस जो होने वाले हैं वो लिखा होता है। नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। आपने और मैंने आकर के जो है कहा कि हम पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करते हैं, मैंने कहा ठीक है करते हैं, मैंने कहा चलो क्या करेंगे बट पार्टनरशिप में, आपने कहा क्या करेंगे, माल बेचेंगे, मैंने कहा ठीक है पर कौन सा माल बेचेंगे, आपने कहा सफ़ेद माल बेचेंगे, मीन्स ड्रग्स बेचेंगे। तो ये एक इनलीगल एक्टिविटी है, ऑलरेडी एक इनलीगल एक्टिविटी है या ऐसी एक्टिविटी है जो कि लॉ के द्वारा प्रतिबंधित है या फिर इसको प्रोहिबिटेड रखा गया है, और हम उसी बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो वो आपका पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप में हमेशा एक लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी होगी तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। इस तौर पे आप कोर्ट के सामने जा रहे हो, लेट सपोज आपने कहा जज साहब हमारा ना बिजनेस चल रहा था, इसने मुझे प्रॉफिट नहीं दिया कई टाइम से,
उसने जज ने कहा ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस था? आपने कहा हमारा ना ड्रग्स बेचने का बिजनेस था, हम स्कूल के बाहर खड़े होकर ना बच्चों को ड्रग्स बेचते थे दोनों पार्टनरशिप में। जज तुम्हारे को वहीं पकड़ के पीट देगा, कहेगा एक तो तुम इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, ऊपर से तुम पार्टनरशिप भी बना रहे हो और कह रहे हो कि भैया पार्टनरशिप है हमारी, ये तोड़ रहा है, तो ये चीज़ गलत है, वो उठा करके ही जेल भेज देगा। तो इसीलिए लॉफुल बिजनेस होना ज़रूरी है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। एक अग्रीमेंट आपका जो है उसमें मस्ट बी एन अग्रीमेंट जहाँ पे आप पार्टनर्स के बीच में क्या शेयर रहेगा प्रॉफिट का वो डिस्कस करते हो। जैसे आप अगर पार्टनरशिप डीड बनाओगे जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे आप ये बताओगे कि भैया क्या जो है प्रॉफिट हमारा होने वाला है, कौन सा व्यक्ति कितना प्रॉफिट लेगा, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया पार्टनरशिप डीड में, ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया, तो सिंपल जो भी प्रॉफिट होगा बराबर बराबर सारे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एजेंसी रिलेशनशिप। अब देखो आप हो मैं हूँ, ये तुम हो ये मैं हूँ, ये तुम हो ये मैं हूँ, और हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं एक साथ। अब यहाँ पे क्या है, आप जिस भी थर्ड पार्टी से मिलोगे और उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो मुझे भी लेबल कर देगा, तो ये क्या है, एजेंसी रिलेशनशिप। जैसे कि एजेंसी का रिलेशनशिप होता है, जैसे कि आपका एजेंसी में होता है, लेट्स सपोज आप जो है आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूँ, बट हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में हो जाता है कि एजेंट ने अगर कुछ काम किया है तो प्रिंसिपल भी उसके लिए लेबल ठहराया जाता है अगर वो जो है उसके बिजनेस के ही काम के अंदर है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो मुझे भी लेबल कर देगा। सो मस्ट बी एन एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, तो यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई बिजनेस में, खर्च खराबी हो गई, तो भैया अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी आपके पर्सनल मोबाइल फ़ोन तक बेच करके उसको जो है निकाला जाएगा, तो यानी पर्सनल लायबिलिटी आपकी बन जाती है, वो आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशंस तक बन जाती है। पर्सनल यानी कि आपकी खुद की जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको भी उसके साथ जो है एडजस्ट कराया जाएगा। ऑल द पार्टनर्स जो है वो लायबल होते हैं जॉइंटली एंड सेवरली, एंड द डेब्ट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट, तो वो अनलिमिटेड एक्सटेंट तक होता है। So that is it for today guys, let's see you in the next video, till then take care of yourself and take care of your health, bye!